गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। मु श्री टंकधर नायक प्रधान शिक्षक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय तसलाडीही ब्लॉक टांगरपाली तुम समस्त को सुंदरगढ़ वर्चुअल स्टूडियो को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत जनाउछी। पाने आज आम तुम षष्ठ श्रेणी इतिहास बहीर प्रथम चाषी और पशुपालन विषय रे आम आज विशद भाव आलोचना करवा। ये अध्याय आम तीनोटी जिनस धारणा पाईपर प्रथमटी है मानव सभ्यतार स्थायी जीवन जापन प्रणाली और वृत्तिर क्रम विकास मनुष्य किपर स्थायी भाव बसवास करी तार जीवन जापन कला एवं बंचिबापाई से क्यों वृत्ति अवलम्बन कला एवं तार किपर क्रम विकास हो पारा से विषय रे आज आम विशद भाव आलोचना करवा। द्वितीय ताम्रप्रस्तर युग विषय आम जानवा एवं तृतीय मेहरगढ़ और बुरजहम स्थानर गुरुत्व विषय जानवा। ये तीनोटी मुख्य धारणा आम यही वस्तु पाठ रू आम जापर पाने समपरी जड़े पाटे ना हूँ राकेश थे से कौन कला बापा सांगे से रेलगाड़ी रे जाऊला रेलगाड़ी रे जीवा समय रे से तीनोटी दृश्य से देखा पाइला। प्रथम दृश्य है राकेश देखिला जे अनेक चाष जमी गुड़िक रही चित्र देखिपार से चाष जमी रे लोक मैंने काम कर देखा पाइला। तृतीय दृश्यटी है अनेक पशु गाई गोरु छेली मेढा इत्यादि करुवर मध्य से देखिला एवं तृतीय रे से पशु मान को लोक मैंने जगी थवर से देखा पाइला। तो ये सब दृश्य देखिकी ए तीनोटी दृश्य देखिकी ता मनरे अनेक प्रश्न जात हला एवं से प्रश्नर समाधान पाई से कौन कला ता बापा को प्रश्नर उत्तर पाइबापी तांकु से प्रश्न पचारा तार प्रश्नर उत्तर रे बापा कौन कही आम आज बर्तमान से विषय आलोचना करवा। पाने पूर्व श्रेणी रे तुम्हें मैंने पढ़ी छो पुरातन प्रस्तर युग विषय पढ़ी छो तो वर्तमान तुम्हें टी मन पकाओ पुरातन प्रस्तर युगरे मनुष्य कौन करुथिला कौन करुथिला। पुरातन प्रस्तर युगरे मनुष्यर दुईटी मुख्य कार्य थिला एक रे मनुष्य जाजावर जीवन जापन करुथिला जाजावर कले कौन बुझा ना इठी किछि दिन पुणी अन्य जगार आउ किछि दिन पुणी अन्य जगार आउ किछि दिन एमती गोटे जगार सबुदिन बसवास न करी विभिन्न जगार स्थान परिवर्तन करिबा केला जाजावर जीवन जापन एवं द्वितीय रे तार मुख्य कार्य थिला जैसे बणरु फलमूल संग्रह करुथिला एवं पशु शिकार करी तार जीविका से निर्वाह करुथिला। द्वितीय कार्य तार मुख्य थिला। तो एही अध्याय रु आमे मानव सभ्यतार स्थायी जीवन जापन प्रणाली और वृत्तिर क्रम विकास किपर हो पारा से विषय आम आलोचना करवा। आज को प्राय दस हजार वर्ष पूर्वे इस्राएल जेरिको नामक स्थान रे लोक मैंने प्रथम चाष कार्य आरंभ कर प्रमाण मिली कौटी ना इस्राएल जेरिको नामक जगार लोक मैंने कौन करते ना प्रथम चाष कार्य आरंभ करते प्रमाण मिली थाए प्राय बार हजार वर्ष पूर्वे पृथ्वीर जलवायु एक बड़ परिवर्तन देखा दे
जलवायुर परिवर्तन सहित मनीष कौन कला ना तार पारिपार्श्विक अवस्था संबंध में से अधिक से ज्ञान लाभ कला पारिपार्श्विक मैंने आम चतुपार्श्वे आम जहा सब देखु से सब विषय से अनेक ज्ञान से पाई एवं यही सब घटना हूँ आमर नूतन प्रस्तर जुगर घटना तो जलवायु परिवर्तन एवं इस्राएल जेरिको नामक जगार प्रथम करी जो चाष कार्य आरंभ होता यह सब है आम नूतन प्रस्तर जुगर मान कार्यक्रम व घटना लोक मैंने प्रथम कौन करना जाजावर जीवन यापन करुले जिते बिल से मैंने चाष कार्य आरंभ कले चाष कार्य करवा शिखिले से मनुष्य मैंने आउ जाजावर जीवन जापन नक कौन कले ना गोटे जगार से मैंने स्थायी भाव में रहा आरंभ कले जिते बिले मनुष्य चाष कार्य करवा शिखिला चाष कार्य करवा जो लोक मैंने कौन कले ना विभिन्न प्रकार शस्य उत्पादन कले आम जमी बर्तमान गहम करुचु धान करुचु मुग करुचु बिगी मान बिरी चाष करुचु विभिन्न प्रकार आम चाष करुचु तो सेत भी लोक मैंने कौन कले ना से मैंने विभिन्न प्रकार शस्य उत्पादन करते से शस्य मान भर गहम गहम और ज दुटा चाष प्रथम से मैंने आरंभ करहम चाष आरंभ कर चाष आरंभ कर मिली नूतन प्रस्तर जुगर तार अनुमान करा जे जे यह फसल काटवे व्यवहृत होता जिते बेले फसल जिते बेले बिल जमी में पची जाऊला ताकू अमल करने कौन करुले ना मैंने दा व्यवहार करुले दा को से फसल काटवे व्यवहार करुले किपर जना पड़ा ना और जो प्रत्नतत्वविद मैंने से मैंने अनुमान करके कहले जे ना यही दारू से मैंने निश्चित भाव चाष कर फसल को से मैंने मान उत्पादन करने व्यवहार करुले दा फसल काटवे व्यवहृत होता बोली सुनिश्चित होते कृषि कार्य जो लोक मैंने स्थान परिवर्तन न करी कौन कले से गोटे जगार घर तैयारी करी सेठी रहा पसंद कले चाष करने सहित मनुष्य कौन करा ना विभिन्न प्रकार पशुपालन कला आम जमी बर्तमान गाई गोरु छेली मेंढा कुकुर घोड़ा गध इत्यादि विभिन्न प्रकार पशु एवं विभिन्न प्रकार पक्षी इंती पालन करुचु मनुष्य चाष करने संगे संगे कौन कला ना से पशुपालन कला एवं प्रथम करी से कौन कला ना कुकुर को से प्रथम पोषा प्राणी रूपे से रखी एवं तापर धीरे 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 मनीष मैंने कौन कले घुषुरी छेली मेंढा गाई गध ये सब प्राणी मान पोषिले एवं यही पशु मान आवश्यकता जाणी से मानू कौन करा ना दलबद्ध भाव से रखा जा दलबद्ध भाव से रखा जा पशु मान हिंसजंतु मान आक्रमण रु रक्षा करने मनुष्य चेष्टा करुला फल पशुपालन एक नियमित कार्य रूपे परिगणित है चाष कार्य जमी एक नियमित कार्य परिणत है पशुपालन एक नियमित कार्य धीरे धीरे परिणत है देखिपार आमर पशुपालन फार्म गुड़िकर चित्र तो यहाँ आमर उन्नत धरणर फार्म गुड़िक तो से बिले मनुष्य सीए यू टे कम
ଧରଣର ଇଏରେ ସେ ମାନେ ପଶୁପାଳନ କରୁଥିଲା। ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଠାରୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଏଇ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଠାରୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏଠି ଆମର ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ ନା, ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଇଏ ହେଲା ଆମର ପୂର୍ବ ଭାରତ ହେଲା, ହେଲା ଉତ୍ତର ଭାରତ, ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ଇଏ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ଏଇ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ହେଲା ଉତ୍ତର ଭାରତ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ପୂର୍ବ ଭାରତ। ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଠାରୁ ହେଲା ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଠାରୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହାତ ହତିଆର ଗୁଡ଼ିକ ଚିକ୍କଣ ଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏବଂ ଧାରୁଆ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ହେଲା କିପରି ଥିଲା, ଚିକ୍କଣ ଥିଲା, ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏବଂ ଧାରୁଆ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ସେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ନଥିଲା। ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ହାତ ହତିଆର ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଚିକ୍କଣ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଧାରୁଆ ଥିଲା। ପଶୁମାନଙ୍କ ହାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା, ପଥରର ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା କରୁଥିଲା। ତାପରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ପଥର ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କ ହାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବେଣ୍ଟ ଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ବେଣ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଥିବ, ଆମ ଯେଉଁ କୁରାଢ଼ୀରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଥାଏ କାଠର ଗୋଟେ ଲମ୍ବାଇ ହେଇକି ସେ ହେଲା ବେଣ୍ଟ, କୋଦାଳରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଥାଏ କାଠର ସେ ହେଲା ବେଣ୍ଟ। ତ ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଏଇ ବେଣ୍ଟ ଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୃତ୍ତି ଥିଲା। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତମର ପଶୁପାଳନ ସିଏ ବି ଏକ ବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାପରେ ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କରିବି ତିଆରି କରିବା ଶିଖିଲା ଏବଂ ସେଇ ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କରିବା ତାର ଆଉ ଏକ ବୃତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ପିଇବା ପାଣି, ପଶୁମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ସାଇତି ରଖିବା ଓ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ମାଟି ପାତ୍ର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାଟି ପାତ୍ର ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେଇ ମାଟି ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ମାନେ କ୍ଷୀର ସାଇତି ରଖିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ପିଇବା ପାଣି ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏ ମାଟିପାତ୍ର ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମାଟିପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚିକ୍କଣ ଓ ଚିତ୍ରିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ମାଟିପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳର ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ମାଟିପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିକ୍କଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଚିତ୍ରିତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଇଏ ଆମର ମାଟିପାତ୍ର ତିଆରି କରିବାର ଲୋକ ତମେ ଦେଖିଥିବ ନାଇ। ତାପରେ ଆମର ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲା, ତ ସେଇ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନଟିଏ ଦେଖାଗଲା। କ'ଣ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା, ପଥର ନିର୍ମିତ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ
विभिन्न अस्त्रशस्त्र व्यवहार करने सहित लोक मैंने धातु व्यवहार विषय जाणिले कौन पर पथर तैयारी एवं पशु मान हाड़े तैयारी अस्त्रशस्त्र व्यवहार करें जाणीछे तो आ सहित लोक मैंने कौन कले ना विभिन्न धातु तैयारी धातु व्यवहार विषय जाणिले एवं तंबा धातु को से बेले मनुष्य कौन कला ना प्रथम व्यवहार करते धातु व्यवहार जिते बेले जाणिला धातु तैयारी जिनिष व्यवहार कला एवं से प्रथम करंबा धातु को मनुष्य कौन कला ना प्रथम व्यवहार कला तंबा सहित टीण और दस्ता मिशा जाई ब्रोंज बा कंसा धातु तैयारी करागला एणु यही युग को ताम्र प्रस्तर युग कहा जाए ये मन रखिब पिला मैंने जे तंबा धातु सहित टीण ओ दस्ता तंबा धातु सहित टीण ओ दस्ता को मिसेई मनुष्य कौन कला ना ब्रोंज बा कंसा धातु से तैयारी कला मैंने रहिला ला तंबा सहित तीन एवं दस्ता को मिसाई ब्रोंज बा कंसा धातु तैयारी करागला से युग को ताम्र प्रस्तर युग बोली कहा जाए यही युगरे उभय पथर और धातुर हाथ हथियार व्यवहार करा जाउथला ताम्र प्रस्तर युगरे कौन करा जाउथला ना उभय पथर एवं धातुर व्यवहार मनुष्य करूथला कर्णाटकर महीशूर निकटस्थ ब्रह्मगिरी ठारे एही धातु निर्मित छुरी और हातुड़ी देखा मिली आम देशर जो कर्णाटक राज्य अच्छी कर्णाटक राज्यर महीशूर निकटस्थ ब्रह्मगिरी ठारे प्रत्नतत्वविद माने एही धातु निर्मित छुरी एवं हातुड़ी देखा मिली अनुमान करा जे यही धातु निर्मित छुरी और हातुड़ी देखा मिली प्रत्नतत्वविद माने भारतर विभिन्न स्थान खनन करी प्रथम चाष कार्य करूथिबा लोक मान संबंध में किसी तथ्य पाई जहार उदाहरण जम्मू और काश्मीर बुर्जहम एवं पाकिस्तान जम्मू और काश्मीर बुर्जहम और पाकिस्तान मेहरगढ़ उल्लेखनीय अटे प्रत्नतत्वविद कहले क्या बुझा पी मैंने किए मटी तले कौटी कौन अच्छी आविष्कार करोकलोचन को आनी थाए से कहा जाए प्रत्नतत्वविद तो से ही प्रत्नतत्वविद मैंने आम कर्णाटक महीशूर निकटस्थ ब्रह्मगिरी ठारु यही धातु या छुरी एवं हातुड़ी से एवं आहरी भारत विभिन्न स्थान से मैंने खनन करष कार्य करूवा लोक मान संबंध में विभिन्न तथ्य पाई जार दुईट उदाहरण आम जम्मू और काश्मीर बुर्जहम एवं पाकिस्तान तेहरगढ़ ये दुईट स्थान हूँ उल्लेखनीय स्थान प्रथम देखा आम तेहरगढ़ पाकिस्तान देश से मेहरगढ़ ठारे लोक मैंने प्रथम थर पर चाष कार्य और स्थायी भाव बसवास कर उद्यम कौटी ना पाकिस्तान पाकिस्तान मेहरगढ़ ठारे से प्रथम थर पर लोक मैंने कौन करते ना चाष कार्य एवं स्थायी भाव बसवास कर उद्यम करते एठारे लोक मैंने ग्राम स्थापन कर बसवास करने को लगिले लोक मैंने कौन कले ना ग्राम स्थापन करी से माने सबुद बसवास करने को लगिले पोड़ाशस्य और विभिन्न पशु मान अस्थि एठारे देखा मिली अस्थि कहले हाड़ा से पोड़ शस्य पोड़ाशस्य कहला पोड़ शस्य
এবং বিভিন্ন পশু মানঙ্কর সার যেতেবেলে প্রত্নতত্ত্ববিদ মানে মাটিকু খনন কলে সে জায়গার সেমানে পড়িযাইথিবা শস্য এবং বিভিন্ন পশু মানঙ্কর অস্থি এখানে সেমানকু মিলিছিলা। প্রায় খ্রিস্টপূর্ব 7000 বর্ষ পূর্বে এখানে চাষ কার্য পশুপালন ও স্থায়ী বসবাস করিবা কথা জানিছি। হ্যাঁ, কেবে প্রায় খ্রিস্টপূর্ব 7000 বর্ষ পূর্বে তো সেটি কোন করা যাওছিলা না চাষ কার্য পশুপালন এবং স্থায়ী বসবাস করিবা কথা জানা পড়িছি। তেহরগড়ে থিবা গৃহগুড়িক অতি সাধারণ যে ঘরগুড়িক থিলা সে ঘরগুড়িক মানে অতি সাধারণ থিলা। মাটিরে গৃহ নির্মাণ করা যাইছিলা। আমি বর্তমান যেমিতি ইটা সিমেন্ট বালি ছড় এসবু ব্যবহার করিকি যেমিতি আমি পক্কা ঘর তৈরি করুছু সেতিকি বেলে সেসবু সেমানে জানি নথিলে তেণু মাটিরে ঘর তৈরি করিকি সেমানে রহুথিলে। তাঙ্কর ঘরগুড়িক বর্গাকার অথবা সমকোণী চতুর্ভুজ আকাররে করা যাইছিলা। চিত্রে দেখিপারুথিব তাঙ্কর ঘরগুড়িক কিপরি থিলা বর্গাকার অথবা সমকোণী চতুর্ভুজ আকারর থিলা। এঠারু পথর হাতুড়ি কামুকারে নির্মিত অলঙ্কার চুনপথর নীলকান্তমণি গাঢ় নীল বর্ণ পথর ও বালি পথর মধ্য আবিষ্কার করা যাইছে। আউ কোন কোন আবিষ্কার করা যাইছে না পথরর হাতুড়ি তারপরে শামুকারে নির্মিত অলঙ্কার চুনপথর নীলকান্ত মণি তারপরে গাঢ় নীল বর্ণ পথর এবং বালি পথর সবু সেঠারু আবিষ্কার করা যাইছে। মাটি পাত্রর ব্যবহার কম থিলা। লোকমানে মাটি পাত্র কম ব্যবহার করুথিলে কিন্তু কালক্রমে তাহা বহুল ভাবরে ব্যবহার করা যাইছিলা। ধীরে ধীরে এই মাটি পাত্রর ব্যবহার তারপরে অনেক মাত্রারে করা যাইছিলা। কাচর মাড়ি মধ্য তৈরি করা যাইছিলা। আউ কোন করা ছিলা না কাচর মধ্য কাচর মাড়ি মধ্য সেতেবেলে তৈরি করা যাইছিলা। মাটি পাত্র গুড়িকু বিভিন্ন চিত্র দ্বারা সুন্দর করা যাইছিলা। এই মাটি পাত্র গুড়িক কিপরি মানে সুন্দর দেখা যাব সেতিপরি সেমানে কোন করুথিলে না মাটি পাত্র সবু সেমানে চিত্র দ্বারা তাকু সুন্দর করুথিলে। সেটারু হরিণ ঘুষুরি ছেলি মেন্ঢা আদি পশুমানকর অস্থি উদ্ধার করা যাইছি। আউরি কোন কোন মিলিছিলা সেঠু না হরিণ ঘুষুরি ছেলি মেন্ঢা এইসব পশুমানকর আর মধ্য সেঠু উদ্ধার করা যাইছি। এই সময়ের মৃত ব্যক্তি মানুষ সমাধি দিয়া যাওছিলা। সমাধি দিয়া যাচ্ছি তোমাকে দেখিদিব যেতবে জনে মরিযায় তাকে কোন করু না তাকে মাটিতে পোতি দিয়ে কিংবা পড়ি দিয়ে সেতিকি বেলে সে মরি যাওছিলা সে মৃত ব্যক্তি কোন করুলে না তাঙ্কু মাটিতে সমাধি দিয়া যাওছিলা। মৃত শরীরক যত্নর সহিত সৎকার করিবা মেহরগড় লোক মানঙ্কর এক বিশেষত্ব। মৃত ব্যক্তিকু সেমানে যত্নর সহিত সেমানে সৎকার করুথিলে এটা গুড়ে তাঙ্কর এক মুখ্য বিশেষত্ব থিলা। কাহিকি না মৃত্যু পরে জীবন ফেরি আসিব বলি বোধহয় সেমানে বিশ্বাস করুথিলে। এবে বি লোকমানে বিশ্বাস করন্তি কারণ মরিগলা পরে পুনি তার জীবন ফেরি আসে কইকি এবে বি সে বিশ্বাস আছে। সেতবেলে বি লোকমানে কোন করুথিলে না মৃত ব্যক্তির জীবন ফেরি আসিব বলি সেমানে বিশ্বাস করুথিলে। তেণু মৃত ব্যক্তি মানঙ্কু অতি যত্নর সহিত সেমানে সৎকার করুথিলে। তেণু মৃত শরীরকু সেমানে যত্নর সহিত সমাধি দেউথিলে। তেণু সেতবেলার অনেক কবর দেখিবাকু মিলিছে। এই হচ্ছে
कबर चित्र कहीं ना यही कबर सब देखी प्रतनतत्वविद मैंने अनुमान करी पारिथिले जे ना से बेलर मनुष्य मृत व्यक्ति को समाधि देउथला कला मेहरगढ़ तार पर आसिला बुर्जहम अधुना जम्मू काश्मीर श्रीनगर ठारु प्राय 20 किलोमीटर दूर अवस्थित बुर्जहम ठारे नूतन प्रस्तर युगर एक बसती थिला ये आम देशर मानचित्र देखि पारुथवा ये हला जम्मू काश्मीर श्रीनगर ठारु 20 किलोमीटर दूर को गले सेठी गुटे स्थान अच्छी से स्थान ना होची से स्थान ना होची बुर्जहम जोठारे कि नूतन प्रस्तर युगर एक बसती देखा मिली थाए एठारे लोक मैंने गात कर घर करुले जहाँ को आम गर्त गृह बोली कहवा तो सेठी जो लोक मैंने बास करुले बुर्जहम ठारे से लोक मैंने कौन करुले ना माटी से मैंने गात कर घर करुले जहाँ को गर्त गृह बोली कह जाए आउ माटी प्रवेश द्वार आकार गोलाकार थिला आमर जमी घर प्रवेश द्वार आयतकार से मानकर गर्त गृह प्रवेश द्वार केमी थिला ना गोलाकार थिला चित्र देखि पारु थिवो गर्त गृह चित्र तार प्रवेश द्वार केमती माने गोलाकार रही गोलाकार थिला एवं पहाच साहाज्य तल को जीवार व्यवस्था थिला ए गर्त गृह मैंने तल को जीवाकू हेले पहाच सब थिला से पहाच रे से माने तल को जाउथिले आमे जेंती छात ऊपर को जीवाकू जेंती अमर पहाच थाए पहाच रे चढ़ी चढ़ी आमे ऊपर को जाऊ सेंती गर्त गृह भीतर को जीवा पई पहाच सब थिला पहाच रे से माने जाउथिले एही गर्त गृह गुडीकर आकार बेस बड़ थिला ला गर्त गृह गुडीकर तार आकारटा बहुत बड़ होइकी थिला आ शीत दाउरु रक्षा पाइबा पई लोक मैंने से ही गर्त गृह रुते अत्यधिक शीत हो ठंडा होता तो से शीत रु रक्षा पाइबापी से मैंने कौन करुले ना से गर्त गृह से मैंने रुते आसला आमर उत्तर पूर्व भारत नूतन प्रस्तर युगर सूचना ये आमर भारत मानचित्र उत्तर पूर्व मैंने यहाँ है आमर उत्तर पूर्व यही उत्तर पूर्व भारत आमर नूतन प्रस्तर युगर किपरी सूचना मिली से विषय वर्तमान देखा भारत उत्तर पूर्व भाग किसी स्थान में नूतन प्रस्तर युगर बसती मान आविष्कार कर जम्मू काश्मीर बुर्जहम को छाड़ी देकी आमर भारत उत्तर पूर्व भाग ये उत्तर पूर्व भारत किसी स्थान नूतन प्रस्तर युगर बसती सब आविष्कार कर आसाम रे थिबा पार्वत्य अंचल अन्यतम आसाम ये रही आसाम तो सेठी जो अच्छी पार्वत्य अंचल से पार्वत्य अंचल अन्यतम आसाम रो दुजाली हाड़िंग नूतन प्रस्तर युगर एक प्रसिद्ध स्थान आसाम रे गोटे स्थान अच्छी तार ना होची दुजाली हाड़िंग आसाम रो ए दुजाली हाड़िंग हरे नूतन प्रस्तर युगर मैंने ये एक प्रसिद्ध स्थान एठार चिकण पथर में निर्मित हाथ हथियार माटीर पात्र रोसाई सामग्री ये सब जिन आविष्कार कौन कौन आविष्कार करा ना चिकण पथर में निर्मित हाथ हथियार माटीर पात्र रोसाई सामग्री ये सब जिन आविष्कार करा जेड नामक एक मूल्यवान पथर चीन देश रु आसी अनुमान करा जाए गोटे मूल्यवान पथर तार ना हूँ जेड नामक पथर कौ देश रु आसी
माने चीन देश रु आसीथिबा अनुमान पराजे पेषण यंत्र रो मध्य आविष्कार करा जाइछि। पेषण यंत्र कहले कोन ना मैं जो पेसु जंदी धान पेसु ला गहम पेसु चाउल पेसु पेषण यंत्र तो सेते बेले भी माने पेषण यंत्र रो व्यवहार करूथिले। रोसे करिबा ओ शस्य को साहित्य रखिबा पई अनेक माटी पात्र व्यवहार करा जुथला तो से दुजाली हाडिंग अरे सेठारे मध्य लोक माने कोन करूथिले ना अनेक माटी पात्र व्यवहार करथिले एवं सेही माटी पात्र रे से माने रोसे करूथिले एवं विभिन्न प्रकार शस्य को से माने साहित्य रखुथिले। मेघालय रे थिबा गारो पर्वतमाला एवं त्रिपुरा रो किछि स्थान रे नूतन प्रस्तर युगर अवशेष देखिबा को मिले। ये अच्छी आमर मेघालय ला मेघालय तारपरे त्रिपुरा तो सेठारे मध्य नूतन प्रस्तर युगर अवशेष देखा मिली था। ये सबुरु जना पड़ी जे एक ग्रामीण सभ्यता भारत और पाकिस्तान केतेक स्थान रे विकास लाभ कर आमर भारत किसी स्थान एवं पाकिस्तान केतेक स्थान ग्रामीण सभ्यता र विकास हेतिला तापरे शहरी सभ्यता आरंभ हेतिला ग्रामीण जीवन परे शहरी सभ्यता आड़कु मनुष्य अग्रगति करथिला र पिला माने वर्तमान तमो पई किछिटा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रहिछि। आशा करूछि तमे माने ए प्रश्न गुडी कर सठिक उत्तर निश्चित भावरे प्रथम प्रश्न है बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द टी बाछी शून्य स्थान पूरण कर प्राय डेढ़ वर्ष पूर्वे पृथ्वी जलवायु रे बड़ परिवर्तन आसला 15,000 10,000 12,000 18,000 किए कह बीपी हाईस्कल ओ आज प्राय डेढ़ वर्ष पूर्वे पृथ्वी जलवायु रे बड़ परिवर्तन आसीथिला को ठिया है कि कह हरगार ए जने को ठिया है कि हाँ को को केते 15,000 10,000 12,000 18,000 उत्तर उत्तर होची केते प्राय 12,000 वर्ष पूर्वे पृथ्वी जलवायु रे बड़ परिवर्तन आपरे खरे आसला नूतन प्रस्तर युगर मिली डेस फसल काटबारे सहायक होता कतुरी दा बरछा कोदाल क्या कि कह रजलाल हाईस्कल रजलाल हाईस्कल तार उत्तर हूँ दा गे नूतन प्रस्तर युगरे डैश को मनुष्यर प्रथम पोषा प्राणी भाव में रखा जाइला कुकुर घोड़ा गध छेली हाथीबारी गवर्नमेंट हाईस्कल हाथीबारी गवर्नमेंट हाईस्कल कह कई जने कह नूतन प्रस्तर युगरे कुकुर को मनुष्य प्रथम पोषा प्राणी भाव रखी तापर घर है तंबा सहित डैश को मिसाई ब्रोंज बा कंसा धातु तैयारी करा गला दस्ता ओ सीसा टीण ओ तंबा लुहा ओ टीण टीण ओ दस्ता के कहिबो तंबा सहित टीण ओ दस्ता को मिसा जई ब्रोंज बा कंसा धातु निर्मित करा जाइथिला। अपने ओ रे नूतन प्रस्तर युगर अस्त्र शस्त्र गुडीक डैश थिला असुंदर ओ लंबा सुंदर ओ धारुआ बंका ओ धारुआ समतल ओ खदड़ अरे उत्तर किए कह सुंदर ओ धारुआ काश्मीर देश रे नूतन प्रस्तर युगर मानव बसतीर संधान मिली पुर्जहम बिहारगढ़ मेघालय आसाम काश्मीर गुर्जहम रे नूतन प्रस्तर युगर मानव बसतीर संधान मिली।
तापरे छ रे सुजाली हाडिंग रे मूल्यवान जेड पत्थर देश रु आसीथिला बोली विश्वास करा जे जापान बांग्लादेश चीन नेपाल व उत्तर आउची चीन देश रु आसीथिला बिहारगढ़ रे घर गुड़िक देश आकार रे निर्माण करा जीथिला वर्गाकार अथवा समकोणी चतुर्भुज आयताकार अथवा गोलाकार चतुर्भुजाकार अथवा वर्गाकार गोलाकार अथवा त्रिभुजाकार कौन ठिया कह तार उत्तर है वर्गाकार अथवा समकोणी जाने तुम्हें दुटा गृह कार्य रही एक रे तुम अंचल चाष करने जो जंत्रपाति व्यवहार करा जे तहार तालिका प्रस्तुत करईरे तुम्हें रोथ्वा बा देखिथिबा ग्रामर एक दृश्य वर्णना कर दुईटा गृह कार्य निश्चित भाव एवं तुम शिक्षक किंबा शिक्षयित्री को ताकू निश्चित भाव देख बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम समस्ते भाग नहीं सक्रिय अंशग्रहण कर समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना।